नमस्कार, न्यूज वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जूही तोमर। आज चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश की तमाम उन सीटों पर, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे कहीं पर उपचुनाव हो, तमाम उन सीटों की चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं, जिसमें से चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर जो सीट है वहां पर फिलहाल चुनाव टल गए हैं, जिस पर निश्चित रूप से अब राजनीति होकर रहेगी। ऐसे में जूही, क्या लगता है, 10 सीटों पर विधानसभा के जो उपचुनाव होने थे उनमें से 9 सीटों पर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है और एक सीट पर उपचुनाव टाल दिए गए हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस सीट पर उपचुनाव टाल दिए गए हैं वो सीट है मिल्कीपुर, और मिल्कीपुर को लेकर के अब लगातार देखा जाए, देखिए सियासत मचने वाली है कि आखिरकार मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव क्यों नहीं होने वाले या मतलब इस वक्त क्यों टाल दिए गए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि अब हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी देखे तो ये सवाल खड़े होने लग गए काफी। मुझे लगता है कि मिल्कीपुर में जिस तरीके से अजीत प्रसाद वहाँ पर खड़े हैं, सपा की ओर से, सपा सांसद के बेटे जो हैं अजीत प्रसाद, वो खड़े हैं मिल्कीपुर सीट से, और उन पर कहा जा रहा है कि मुकदमा भी दर्ज है अपहरण मामले और मारपीट के मामले। जी बिल्कुल, उन पर ये मुकदमा दर्ज है। हाँ। कि उन्होंने किडनैप किया था एक युवक का, उसके साथ मारपीट की थी, जिसको लेकर तमाम धाराओं में उनके ऊपर केस दर्ज है। और बात यहाँ पर जो भी ये आपने सबसे जो ये जो भी आपने सवाल उठाया है अजीत प्रसाद को लेकर, ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी शिकायत, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को यहाँ से अपना कैंडिडेट भी बना दिया है, इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई है कि जिनके ऊपर इतनी धाराओं में केस दर्ज है तो उनको खड़ा क्यों किया जा रहा है। हालांकि देखिए जो भी तमाम इतने कई वो नेता हैं जो सीटों पर बैठे हुए हैं जिन पर कई धाराओं में केस दर्ज है, केस दर्ज हो जाना और कहना आरोपों का सिद्ध होना, मतलब ये दोनों ही अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो सच यही है कि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव टल चुके हैं। तो कामनी, क्या लगता है अब जब, क्योंकि हम लोग मिल्कीपुर सीट की जब चर्चा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मिल्कीपुर सीट को लेकर के सपा की तरफ से जिस कैंडिडेट को खड़ा किया गया है उसका नाम जो है वापस लेंगे अखिलेश यादव? फिलहाल तो देखिए जो ही मुझे जहाँ तक लगता है कि अखिलेश यादव नाम तो वापस नहीं लेंगे, क्योंकि राजनीतिक समीकरण जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बिठाया, मतलब देखा जाता है किस तरीके से अखिलेश यादव एक एक सीट पर अपने कैंडिडेट को बहुत कहते हैं चुनकर, मतलब गुना भाग पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही कैंडिडेट के नाम की घोषणा करते हैं। हालांकि आपने हमने ये भी देखा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से कितनी तेजी के साथ अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट को बदल रहे थे, क्योंकि उनके लिए जीत मायने नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जीत मायने रखता है, और जब आप इतनी बड़ी पार्टी से जब मुकाबला करते हैं, जैसे सामने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है जिनके पास पैसा भी है ताकत भी है, तो ऐसे में तमाम वो क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं उन्हें पूरा गुना भाग तमाम वो कैलकुलेशन करना भी चाहिए, और जिसका फायदा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिला भी। हालांकि पहले पत्रकार भी हम भी तमाम लोग सवाल उठा रहे थे कि अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं, हालांकि वो डरे हुए नहीं थे, उनका कैलकुलेशन था कि चाहे जितनी भी गड़बड़ी करनी है चुनाव से पहले कर लिया जाए, जिससे कि वोटिंग के समय में जनता के पास उनका निष्पक्ष एक वो रहे कि जनता, जिससे कि उन्हें चुने और उन्हें चुनाव के बाद फायदा मिल सके। कामनी, जब हम एक ऐसे मैदान में हों जब ये लगता है कि जो जीतने वाला है उसका पलड़ा जब भारी होता है, तो हमें भी दिमाग से खेलना होता है, और उसके लिए चाहे हमें किसी भी तरह का डिसीजन लेना पड़े या किसी भी डिसीजन पर एक स्टेट रहना पड़े, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मिल्कीपुर सीट को लेकर के अभी चुनाव टला है, ये आने वाला जो कल होगा ना कामनी, उसमें सबसे बड़ी खबर यही होगी कि आखिरकार मिल्कीपुर सीट पर चुनाव टला और क्या अखिलेश यादव जो है बैकफुट पर आएंगे, क्या कैंडिडेट का नाम जो है वो वापस लिया जाएगा, या फिर किसी और मतलब जो या फिर मतलब कोई और मोड़ देखने को मिलता है। देखिए जो ये और सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये तो आप और हम कयास लगा रहे हैं कि ये मुद्दा हो सकता है, शायद इस वजह से चुनाव इस वक्त टले हों, लेकिन बात यह है कि अभी आपको और हमें तो पता ही नहीं है कि चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर ही
उपचुनाव का ऐलान क्यों किया है, ये जो मिल्कीपुर सीट है इसे क्यों छोड़ा गया है अभी? क्योंकि देखिए अभी तो कयास लगा रहे हैं आप और हम लगा रहे हैं, और आप और हम नहीं तमाम लोग कयास लगाएंगे। राजनीति देखिए इस सीट को लेकर जो सियासत गरमाने वाली है वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से 288 सीटों पर वोटिंग होनी है, और क्या कहते हैं झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में भी चुनाव होने हैं जिस तरीके से देखिए, तो ऐसे में क्या है कि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दो ये जो उपचुनाव है ये महत्वपूर्ण हो जाता है या फिर विधानसभा चुनाव को लेकर ये पार्टियां लड़ती हैं। अब देखिए बहुत कंफ्यूजन होने वाला है कि किन चीज़ों को ये मुद्दा बनाने वाले हैं, किन चीज़ों को मुद्दा नहीं बनाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की वो मिल्कीपुर सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है उसके बाद भी जिस तरीके से अयोध्या से बीजेपी हारती है, ऐसे में मिल्कीपुर सीट जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी के लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है कि इस सीट को कैसे जीता जाए। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अयोध्या में हार मिली है बीजेपी को, बिल्कुल तो उसको लेकर के लगातार प्रतिष्ठा का सवाल भी खड़ा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने भी अब इस बार अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर पूरा जोर और ताकत लगा करके रख दी है कि एक बार फिर से हम ये साबित करके दिखाएंगे, है ना गांधी। और जो ही चलिए एक एक बार पहले उन 9 सीटों की बात कर लेते हैं जिन सीटों पर चुनाव के ऐलान किए जा चुके हैं। उन सीटों में है मीरापुर सीट है, कुंदरकी सीट है, गाजियाबाद सीट है, खेर है, करहल है, सीतामोई है, गाजियाबाद, फूलपुर है, कुंदरकी, कटिहारी है और मुरादाबाद का कुंदरकी भी है। बिल्कुल उनको बोल दिया है। और कामनी ये तो 9 सीटें हैं जिन पर चुनाव होने हैं, और इसमें अगर हम ये भी बात करें कि आखिरकार कौन कौन सी पार्टी जो है कैंडिडेट्स उतार चुकी है, तो अभी तक मुझे लग रहा है भाजपा ने अभी तक कैंडिडेट्स अपने नहीं उतारे, और बसपा और सपा ने जरूर कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। बसपा ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो कर चुका है, क्योंकि मीरापुर से शहनजर हैं, मिल्कीपुर से राम गोपाल हैं, मझवा से दीपू तिवारी, कटेरी में अमित वर्मा और फूलपुर से शिववरन पासी। और अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार अभी तक घोषित किए हैं। पार्टी ने करहल से तेज प्रताप यादव को बनाया है कैंडिडेट, सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी जो है नसीन सोलंकी वो है, कटेरी से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को उम्मीदवार बनाया, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट दिया है, जैसे कि अभी हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे अजीत प्रसाद की जो कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, और फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी और मझवा से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। भाजपा अब मुझे लगता है इस पूरे डिसीजन को लेकर के, लेकिन गांधी इस बार देखा जाए, वैसे तो भाजपा हमेशा आगे रहती है कैंडिडेट्स को उतारने के लिए, इस बार मुझे लग रहा है भाजपा इंतजार कर रही है कि आखिरकार कहाँ कहाँ से वो भी कैलकुलेशन करने में लगी है। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव वाला फॉर्मूला कहीं भाजपा तो नहीं अपना रही है कि देर से ही सही लेकिन हम उतारेंगे, पहले वो देख रही है कि कहाँ पे कौन कौन किस किस को खड़ा। बिल्कुल देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है अभी इस स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं लगी हुई है कि पहले तमाम हमारी विपक्षी पार्टियां अपने कैंडिडेट उतार लें, उसके बाद देखा जाएगा कि उस कैंडिडेट को हराने के लिए तोड़ने के लिए सबसे मजबूत कैंडिडेट हमारे पास कौन है और उसको मैदान में उतारा जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो चुनाव है ये जो हालांकि 9 सीटों पर होने हैं लेकिन 10 सीटों को लेकर तैयारी काफ़ी समय से चल रही है, ये जो उपचुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीएम योगी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से सीएम योगी को हर कोई कहता है कि जिस तरीके से एक वो ब्रांड है भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश की तमाम जनता मतलब सीएम योगी पर विश्वास करती है, उन्हें वोट दिए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जब सीट इतने कम आते हैं तो योगी आदित्यनाथ को सवालों के घेर लेता है, और ड्रामा आपने हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक तमाम वो सड़कें एक हो जाती हैं, सुबह से लेकर शाम तक नेताओं का आना जाना लगा रहता है, और ऐसी हलचल होती है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन उसके बाद भी सीएम योगी ने जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में जैसे आपने देखा प्रचार करने जाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा सीटें उन मतलब सबसे बड़ी जीत उन सीटों पर होती है जहां पर सीएम योगी प्रचार करने पहुंचते हैं, तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश जिस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री है वहां पर इस तरीके से लोकसभा चुनाव में जब सीटें कम आती हैं
तो ऐसे में अब ये जो उपचुनाव है ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, और तमाम वो जो नेता जो उन पर सवाल उठा रहे हैं, भले दबे जुबान ही सवाल उठा रहे हैं जो भी, लेकिन वही है कि जब आप कुछ ढंग का नहीं कर पाते या थोड़ी सी कमी रह जाती है तो आपके ऊपर सवाल तमाम लोग उठाते हैं। और काम में इस बार देखा जाए तो जिस तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस एक तरह से कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में बीजेपी में देखने को मिल रहा था, वो अब इस वक्त डाउन नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा जो देखा जाए उनका टारगेटिंग जो है वो ये कि किसी भी तरह चुनाव को जीता जाए, और ओवर कॉन्फिडेंस इस बार मुझे लग रहा है झलक नहीं रहा है बीजेपी के उसमें। नहीं, जब आप चुनावी प्रचार कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस तो तब होगा ना जब आपका जो पिछला ओवर कॉन्फिडेंस था वो काम कर गया हो। वही ना कामी की, मतलब वो डाउन हुआ है तो इसकी वजह से इस बार कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक एक कदम जो ना फूंक के रखा जा रहा है। लेकिन अब सवाल तो यही है जूही, जब 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं तो एक सीट पर क्यों नहीं हो रहा, मतलब ऐसी क्या स्थिति हो रखी है मिल्कीपुर में, ऐसा क्या है जो आपको और हमें नहीं पता और चुनाव आयोग को पता है, तो इसीलिए वहां पर चुनाव अभी टाल दिए गए हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है जो उठने वाला है और इस पर राजनीति भी गरमाने वाली है। अब देखिएगा आज शाम से ही इस पर राजनीति जो शुरू होगी, तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठाएंगी, और अब देखना होगा कि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव कब होगा और राजनीति किस ओर करवट लेती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होना और मिल्कीपुर सीट पर चुनाव टल जाना, क्या ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग ने वहाँ की कुछ प्लानिंग और कुछ स्ट्रेटजी के तहत किया है, या फिर कुछ ऐसा है जो आपको और हमें नहीं पता है जिसकी वजह से ये चुनाव टला है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।